नमस्कार दोस्तों मैं अरुण कुमार मौर्य जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर सप्लाई तो आज हम पावर सप्लाई पढ़ेंगे और पहले फ्लाईबैक देखेंगे तो उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि पावर सप्लाई का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो किस तरह से काम करता है उसके जरिए एक हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक आइडिया ले सकते हैं कि जो हमारा पावर सप्लाई है किस तरह से काम करता है ओके तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास एक सेट आया था जिसका मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो है पिक्चर जो है बैकलाइट जल रहा था पैनल के वोल्टेज भी आ रहे थे साइड कॉप पे भी सारे वोल्टेज प्रेजेंट थे लेकिन उसमें क्या हो रहा था पिक्चर नहीं बन रहा था या फिर वो सर डिस्प्ले पे कोई डेटा प्रिंट नहीं हो रहा था तो जैसे कि हम जानते हैं कि देखिए ये हमारा क्या होता है पैनल का स्ट्रिप होता है ओके पैनल का स्ट्रिप होता है जिसके एक साइड में आपका रहता है टीका आई सी और दूसरे साइड में आपका होता है डीसी डीसी आई सी ओके इसमें और और भी आई सी आती है लेवल आई सी आती है गामा आई सी आती है तो जो हमारा मेन चीज पहले हम लोग ये देखते हैं, okay? ओके एक पैनल ऐसा होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक आई सी लगी होती है उसके अंदर सिंगल एक आई सी लगी होती है जिसके अंदर टीकॉन और डी सी डी सी आई सी दोनों होती है ओके okay? तो टिकॉन भी उसी के अंदर रहेगा डीसी डीसी आई सी भी उसी डीसी डीसी सर्किट होता है उसी के अंदर रहता है अब डी सी डी सी का मतलब क्या होता है यहां पर डीसी इनपुट डीसी आउटपुट डीसी टू डी सी ओके जो कि हम बक बूस्ट कन्वर्टर से बनाते हैं चाहे वो बक कन्वर्टर हो दूसरा या तो बूस्ट कन्वर्टर हो ओके तो डीसी डीसी आई सी के अंदर दोनों चीजें इनबिल्ड होती हैं बक कन्वर्टर भी रहता है बूस्ट कन्वर्टर भी रहता है तो यहां पर इस तरह से था सर्किट जिसके अंदर टिकॉन बता और डी सी डी सी दोनों था उसके बाद में ये आपका होता है कनेक्टर ये आपको क्या होता है क... सॉरी ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है तो थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे टिकॉन आई सी और डी सी टू डी सी आई सी ओके ये आपका हो गया एल वी डी कनेक्टर जो कि थर्टी पिन का रहता है या फिर फिफ्टी वन पिन का रहता है तो किसी किसी में थर्टी पिन किसी किसी में फिफ्टी पिन ये डिपेंड करता है अभी आप बोलोगे थर्टी पिन है तो फुल एच डी और फिफ्टी वन पिन है तो नॉन एच डी ऐसा नहीं होता है थर्टी पिन के अंदर भी फुल एच डी आते हैं नॉन एच डी आते हैं और फिफ्टी वन पिन के अंदर भी एच डी फुल एच डी नॉन एच डी ठीक है एच डी और नॉन एच डी ओके तो एक साइड में इसका सप्लाई होता है या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा या तो फिर राइट होगा उसके बाद में एक साइड से सा आपका डेटा आएगा डेटा या तो टेन पेयर रहेगा या तो फिर फाइव पेयर रहेगा जो नॉन एच डी पैनल होता है नॉन एच डी पैनल के अंदर जो होता है वो फाइव पेयर होता है और फुल एच डी के अंदर टेन पेयर होता है ओके okay? ये ध्यान रखिए पेयर का मतलब एक साथ में दो लाइनें अगर दो लाइनें इस तरह से आ रही उसको एक पेयर वन पेयर ये चीज ध्यान रखिए उसके बाद उसके अंदर पिक्चर नहीं भरा था तो हम लोग फटाफट वो चीज डिस्कस करते हैं क्यों नहीं बना था तो तो जो आपका डेटा था वो टीकॉन आईसी के अंदर जा रहा था मैंने डी चेक किया तो जो डेटा प्लस माइनस था वो सारे सारे सही तरीके टिकॉन के अंदर जाता लेकिन जो डेटा होता है वो कॉफ के अंदर भी जाता है तो इसका सिग्नल इसका सिग्नल नियर अबाउट सेम रहेगा लेकिन ये टिकॉन आई के अंदर से होके जाता है ओके क्योंकि टीकॉन आईसी क्या करती है टाइमिंग कंट्रोल आईसी है कौन सा डेटा कब प्रिंट करता है वो इसी हिसाब से भा... डिजाइन किया जाता है और साथ ही साथ एक कंट्रोल सिग्नल निकालती है ताकि प्रिंटिंग का काम सही तरीके से हो अब ये वोल्टेज इसके अंदर से कुछ वोल्टेजेस और सिग्नल बन के साइड कॉप पे जाते हैं जो साइड कॉप इधर लगा रहता है पैनल के अंदर तो ये वोल्टेजेस इस कांच के रास्ते से साइड कॉप पे जाता है तो यहाँ के सारे सिग्नल ही मौजूद थे लेकिन हमारा पिक्चर आ नहीं था तो वैसे कंडीशन में मैंने जब देखा यहाँ पर जो ये डेटा होता है ये डेटा मेरा आ नहीं रहा था मतलब इस यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो मतलब इसके और इसके बीच में क्या है टीकॉन आई है क्या है टीकॉन आई है तो टीकॉन आई है तो आपको टीकॉन आई को उठा के निकाल के लगाना है या फिर हीट मार के देखना तो मैंने यहाँ पर पहले हीट मार के देखा तो मेरा सेट जो है एक घंटा चला उसके बाद में मैं घर पे आया खाना खाने के लिए फिर गैस चालू करने के लिए तो यह फिर से सेम प्रॉब्लम में आ गया उसके बाद मैंने क्या किया इस आईसी को निकाल के इसके पैड को अच्छे से साफ करके फिर लगाया तो मेरा सेट अभी तक चल रहा है कस्टमर लेके गया कुछ कंप्लेन अभी तक आया नहीं क्योंकि यह मैकेनिक का कंप्लेन था अगर आया होता तो फोन करता था तो मतलब अभी तक यह चल ही रहा है ओके तो इस तरह से यह फॉल्ट मतलब हमने टीकॉन आईसी जो है हमारा इसके पैड के अंदर कहीं तो मॉइस्चर था जिसकी वजह से बार बार जो है डेटा को प्रिंट करना नहीं बोल सकते है एक तरह के स्टैंड बाई मोड में चले जा रही थी ओके तो यहाँ पर ये यह फॉल था अब हम पढ़ लेते हैं हमारा पावर सप्लाई तो पावर सप्लाई के अंदर जो कुछ ब्लॉक होते हैं ब्लॉक को मैं आपको डिटेल बताता था अब देखिए सबसे पहला जो ब्लॉक आता है वो आता हमारा ई फिल्टर जो हम 230 वोल्ट और 50 हजार की फ्रीक्वेंसी देते हैं किसके जरिए न्यूट्रल और फेस के जरिए न्यूट्रल और फेस के जरिए वो पहले जाता है ईएमआई फिल्टर के अंदर किसके अंदर जाता है ईएमआई फिल्टर के अंदर ईएमआई फिल्टर के अंदर ये काम होता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है पचास हर्ट्ज उसको मेंटेन करके रखना टू थर्टी वोल्ट और पचास हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ जो आर्किंग या फिर डिस्टॉर्शन आता है जो स्पार्किंग आता है ओके साथ ही साथ जो स्पार्किंग आता है उसको भी ये क्या करता है रिड्यूस कर देता है ताकि हमको आने वाला जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ मिले ओके उसके बाद में हमारा एक लगता है डायोड ब्रिज क्या लगता है डायोड ब्रिज अब डायवर्ट ब्रिज का क्या काम होता है कि जो आपका यहाँ पर ए आ रहा है ए मतलब कैसा अल्टरनेट एक इस तरह से सिग्नल होता है ओके साथ ही साथ यहाँ पर भी तो जब यहाँ पर इसका सिग्नल ये पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव रहेगा इस तरह से अब इसका काम क्या होता है डायवर्ट ब्रिज का कि जो आपका यहाँ प्लस आ रहा है और ये जो माइनस है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ठीक है ये जो आपका अल्टरनेट आ रहा है ये क्या काम करेगा कि जो प्लस प्लस का लाइन है जो प्लस प्लस के जो एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल है या वोल्टेजेस है उसको एक साइड में करेगा और जो माइनस माइनस वाले हैं उसको एक साइड में करेगा ठीक है समझ में आ रहा है तो आपका यहां मिलेगा प्लस प्लस सब और यहां मिलेगा माइनस माइनस सब तो पहले कैसा था इस तरह से अभी हमने डायवर्ट ब्रिज का यूज करके हमने क्या कहते इस तरह से लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है ये रिपल आ रहा है जो इस तरह से सिग्नल है या वोल्टेज बोल सकते हो अब ये क्या प्योर डीसी नहीं है ये डीसी है लेकिन फ्लक्चुएटिंग डीसी है जो ये दिख रहा है फ्लक्चुएशन आपको ये क्या है फ्लक्चुएटिंग डीसी है अब आपको इस जगह को भरना है ताकि ये वोल्टेज जो होता है एक समान हो जाए ऐसे कैसे हो जाए इस तरह से तब इसको हम बोलेंगे डीसी लेकिन ये अनरेगुलेटेड है रेगुलेटेड नहीं अनरेगुलेटेड है ओके तो यहाँ पर हम एक यूज़ करेंगे फिल्टर क्या यूज़ करेंगे फिल्टर फिल्टर जो हमारा कैपेसिटर जिसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर इसको डिनोट किससे करते हैं सी से आपके सर्किट में जहाँ भी सी नज़र आता है वो सारे कैपेसिटेंस होते हैं ओके okay? जहाँ भी डी नज़र आता है वो सारे डायोड होंगे ओके okay? और इससे पहले ई एम आई फिल्टर के अंदर पहले एक मतलब इसी लाइन में एक लगाया रहता है फ्यूज क्या लगाया रहता है फ्यूज तो फिर तो आपको वो ये एम आई फिल्टर अंदर आता है तो मैंने वो ब्लॉक ही आपको बता दिया तो अब यहाँ पर क्या हुआ कैपेसिटर क्या, क्या करेगा हमारे जो ये जो फ्लक्चुएशन था अब इसने क्या किया इसको भर दिया क्या किया भर दिया मतलब कि ये जो ये जो प्लस वाले थे ये आके यहाँ पर कैपेसिटर मेरा आके यहाँ पर, पर चार्ज हो जाता है जब चार्ज हो जाएगा जब चार्ज हो जाएगा तो यहां पर जो आपको आउटपुट वोल्टेजेस निकलेगा वो एक समान निकलेगा तो कितना आएगा यहाँ आउटपुट वोल्टेजेस और एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना रहता है तो 120 ट्वेंटी माइक्रो फैरड या फिर 220 सौ बीस और वोल्टेज यहाँ पर कितना आता है 320 या 300 के आसपास रहता है तो यहां पर साढ़े चार सौ वोल्ट का कैपेसिटर होता है और ये प्राइमरी में दिखने वाला सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है प्राइमरी में दिखने वाला सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है ये तो यहां तक की सर्किट आपको समझ में आ गई अभी आपको अगर हर एक ब्लॉक के बारे में डिटेल में जानना है कि ये ब्लॉक किस तरह से काम करता है और ये ब्लॉक किस तरह से काम करता है तो नीचे कमेंट डालना तो मैं एक बार आपको ये दोनों ब्लॉक को एक ही वीडियो के अंदर बता दूंगा जो डायोड ब्रिज किस तरह से काम करता है और ये इसको सेपरेट कैसे करता है ये चीज़ें इसको सेपरेट कैसे करता है वो चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बता दूंगा और वैसे ही ई फिल्टर किस तरह से काम करता है वो भी चीज़ें मैं आपको डिटेल बता दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो नहीं ज़रूरत है तो आप आगे चलिए कमेंट करके बताना मुझे मैं आपके लिए कमेंट के ऊपर आप डिसाइड करूँगा कि बताना है कि नहीं तो ये काम हो गया हमारा कितना बोल्ड बन गया तीन सौ वोल्ट और एक बात रखिए जो हमारा ए सी साइकिल होता है उसके अंदर फ्रिक्वेंसी होता है लेकिन डी सी के अंदर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता ओके डी सी के अंदर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता क्योंकि ये ए सी इस तरह से होता है और डी सी आपका अगर मैं यहाँ डी सी डिनट करूँ इसके पैनल में तो ये मेरा जीरो वोल्ट है तो ये मेरा ये डी सी यहाँ पर ये हो गया कितना हो गया तीन सौ बीस वोल्ट या फिर तीन सौ वोल्ट और जो ये एम्पलीट्यूड था वो कितना था टू थर्टी वोल्ट कितना था टू थर्टी वोल्ट तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं एक सेकेंड में बनने वाली साइकिलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी तो अगर एक सेकेंड का टाइम यह है अगर एक ऐसा एक साइकिल बना है एक प्लस एक माइनस उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है एक और इसको डिनोट किससे करेंगे यफ से तो फ्रीक्वेंसी वन इसका यूनिट क्या होता है हार्ट हॉट्स इसका यूनिट क्या होता है हॉर्ट्स ध्यान रखिए अब ऐसे पचास साइकिल बन गए एक सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फिफ्टी हॉट्स ठीक है तो जो हमारा सा, ए सी साइकिल आता है जो हमारे इधर वोल्टेज आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है पचास हार्ट जब आपको करंट पकड़ता है तो पचास बार ऊपर पचास बार नीचे पटकता है ओके अब हमने क्या देखा कि हमारा 300 वोल्ट बन चुका अब वो 300 वोल्ट के हम स्विचिंग कराएंगे और अपना मन चहा आउटपुट निकालेंगे जो हमको आउटपुट चाहिए अगर वाइज आप बोलोगे सर ये 300 वोल्ट से हम डायोड और लगा